मुंबई जा रहे हो, बढ़िया लग रहा है तुम्हें? बढ़िया लग रहा है, जल्दी आ रहे हैं और आराम से जाना, कुछ खा पी लेना बढ़िया सा। ठीक भाई, चलो भाई आराम से जाना, फोन करना पहुँच कर। ठीक भाई, सारे आयो, सारे बढ़िया हो गए। सो आई एम बैक अगेन विद अ न्यू ब्लॉग। और आज वरुण मुंबई जा रहा है, जो कि हम वेट कर रहे थे कल से, उसकी टिकट्स फाइनल नहीं हो पा रही थी, बट फाइनली आज हम उसकी टिकट फाइनल हो गई और उसकी फ्लाइट है 5 बजे की, मुंबई जा रहा है बिकॉज कुछ शूट्स हैं वहाँ पे इसलिए। और अभी चलेंगे वरुण को छोड़ने एयरपोर्ट, और तो जर्नी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाए इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा ब्लॉग करते हैं। बाकी चलो मैं थोड़ा सा चेंज वेंज कर लूँ, देन फिर दोबारा मिलता हूँ सबसे। बने रहो तब तक ब्लॉग में, देखते रहो आगे, थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे, सारी चीज़ें दिख जाएंगी आपको। चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ तैयार होके। हाँ जी, तो मैं हो गया हूँ रेडी और अब चलते हैं थोड़ी देर में। वरुण और ऋषभ भैया नीचे गए हैं, अब 5-10 मिनट में आ जाएंगे ऊपर, फिर चलेंगे। बैग वैग उसके सारे रेडी हैं, बाकी ये आदमी मेरे को ब्लॉग में काटता है मेरे को। और ये आदमी 24 घंटे कुछ ना कुछ ऐसे जिमता रहा है, ऐसे आता मिलेगा। अभी थोड़ी इसी ब्लॉग में 5 मिनट पहले इस बंदे ने बोला था कि ये कुछ खा ले, मैं खा रहा हूँ तब, तो अब रेडी हो गया हूँ। चलो अब खा लें तो कोई दिक्कत नहीं, भूखा रहा है वैसे ही, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, मेहनत ही बहुत है, है ना, जिम में मेहनत कर रहा है आजकल। ये सब तो हो गया, चलो मानते कोई दिक्कत ना, अब चलते हैं। चलते क्या, थोड़ा सा फोन चार्ज कर लूँ, फोन में ना बैटरी और सफर थोड़ा सा लंबा है, तो और बैग वैग सब ऑलरेडी पैक हो गए, बता दिया मैंने आपको। वरुण ऋषभ भैया भी आ रहे हैं, दूसरे फ्लैट पे गए, इतना मैं भी रेडी हो चुका हूँ, मैं भी देखता हूँ कुछ खा पी लेता हूँ, थोड़ा फोन चार्ज कर लेता, फिर मिलेंगे आपको नीचे सीधा आप डायरेक्टली। ठीक है जी, मिलते थोड़ी देर में। आ गए हम नीचे, अब ये गाड़ी हमारी डस्टर, ये ना बहुत जल्दी हो रही, तो आगे आगे भग रहे, और पता है जाना भी नहीं, और गाड़ी भी ये चलाएंगे, मतलब हमें साथ में घुमाने ले जा रहे हैं एयरपोर्ट के। गाइस चलो तो मैं एयरपोर्ट दिखा के लाऊंगा। रख दिया सामान पामान, चलो कि अंकल घुमा लो तुम्हें भी एयरपोर्ट, चलो पहुंचो तो पीछे पीछे आओ, चलो सामान पावान धन लिया हमने। तो फाइनली हम बैठ के गाड़ी, मैं वरुण प्रतीक और हमारा ऋषभ भैया, जो सवेरे सवेरे लैंड हुए थे आनंद विहार टर्मिनल, और अब ले जाएंगे टर्मिनल 2 पे। सवेरे सवेरे लैंड हुए थे, तो चलते हैं अब। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अबे रो, मुंबई छोड़ के आना, ऋषभ भैया पे मास्क लगा, तो पहले ऋषभ भैया को मास्क दिला दें यार, फिर चलेंगे आगे। अभी थोड़ी देर मिलूंगा, बने रहो ठीक है। सामान सुमा ले लो अभी। प्रतीक ने बताया मुझे कि मैंने कैमरा ऑन करके, मतलब ऑफ कर दिया था शूट करना, तब चालू हुआ जब कैमरा बंद हो गया था। तो फिलहाल हम दिल्ली में, और 20 मिनट का डिस्टेंस बचा है, इससे पहले हमें पुलिस वाले ने पकड़ लिया था, कह रहा कि यहाँ था ना येलो पट्टी है ना, इस तरह इधर चले करो ना, तो 5500 रुपये का चालान है, और बताओ कैश दोगे या ऑनलाइन दोगे। पर हम बिल्कुल भी कैसे भी ना देंगे, और कहीं लेना तो बताओ ठीक है। थोड़ी सी बहस बूस कर कर आके हम फिर चले आए, बहस वैसे ना दिए क्योंकि गुस्से में थे बहुत ज़्यादा, लेट भी हो रहे थे, ना देना बनता था, देते भी नहीं भाई, चल लड़ जाते, घूसा बजा लेते, भटक गए होंगे लग रहा, कुछ भी करते ना ना सही जा रहे हैं फिलहाल तो। अब 14 मिनट का रास्ता बचा सिर्फ एयरपोर्ट पहुंचने में, और ये भाई जा रहे हैं 6-7 दिन को यार, बढ़िया सोना लग रहा है ना। और चलो ये जा रहे थे, ऋषभ भैया आ गए हैं। रिप्लेसमेंट ऋषभ भैया को हमने स्पेशली फोन करके बुला लिया, भाई साहब आ जाओ मन ना लगेगा। तो ये 1 महीने की फरारी काट के आए, 1 महीने की फरारी, जेल हो गई थी ना इन्हें, जेल हो गई थी 1 महीने के लिए, जेल काट का ही, मतलब जेल मतलब घर वाली जेल, पापा मम्मी ने ना कैद कर लिया था घर में, तभी आ गए हैं। तो ठीक है, ये खाना वाना बढ़िया बनाते हैं, सुना ना प्रिंस भाई पर से बता रहे थे, तो कुछ सब्जी वब्जी बना खिलाएंगे, बाकी चाय भी बढ़िया बनाते हैं, अरविंद से सीखी है ना चाय। है भैया अरविंद, अरविंद यूनिवर्सिटी से इन्होंने चाय बनानी सीखी है। तो फिलहाल अरविंद रिंकू यूनिवर्सिटी, सॉरी मैं रिंकू नाम लेना भूल गया था, फिलहाल चलो छोड़ो इन सब बातों को, उसमें जरा तो अब चलते हैं फिलहाल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में जब भीतर बैठेंगे तो म्यूजिक के साथ बढ़िया स्लो में मैं और फास्ट वास्ट वाली वीडियो बना के एयरपोर्ट दिखाऊंगा ठीक है। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं ना, थोड़ा कुछ काम है तो वो काम करते हैं पहले, फिर मिलेंगे ठीक है।
पहुंच गए और भाई अब हमारे जा रहे हैं। तुम मुंबई जा रहे हो, बढ़िया लग रहा है तुम्हें? बढ़िया लग रहा है, जल्दी आ रहा है और आराम से जाना, कुछ खा पी लेना बढ़िया सा। ठीक भाई, चलो भाई आराम से जाना, फोन करना पहुँच कर। ठीक भाई, भाई जा रहे हैं हम, जल्दी आना। बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है तो रुकने का कोई सीन सा है ना। अब निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट, अब चल रहे हैं अपने घर नोएडा। कुछ और प्लान बनाते हैं, गाड़ी में बैठ के देखते हैं क्या प्लान बनेगा। फिलहाल बैठ जाऊँ पहले, फिर देखते हैं, कुछ प्रोग्राम से सेट करेंगे, दिक्कत मत लो। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, आप लोग जो प्लान कर लें कहाँ जाना कैसे जाना। ठीक है, दिक्कत प्लान करने के ना कि कहाँ जाएंगे कुछ क्या करेंगे। फिलहाल वरुण चला गया तो बढ़िया सा लग रहा, आएगा 5-7 दिन में आ जाएगा, लेकिन फिर भी क्यों प्रतीक क्या बोलते है ना। अब क्या होगा, तुम लोग इतना बुरा लग रहा था, तुम भी चले जाते हम भी चले जाते, बट यहाँ पे भी थोड़े काम पाम हैं 2-4। यहाँ पे हमारे लंबे लंबे कई बिजनेस फैले हैं, उन्हें भी सामान लाओ। मतलब ये है ना, अगर हम वहाँ चले जाते, वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट हमारा कुछ काम नहीं था। एग्जैक्टली, यहाँ पे हमारे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम थे, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी। और हमारे भैया लीवा ओरिजिनल के मालिक ये भी आ गए हैं, तो बहुत सारे काम वैसे ही हैं। तो क्यों भैया क्या बोलते हो? फिलहाल यहाँ से निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा रश हो रहा है, पहले निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। ठीक है जी, बने रहो, ब्लॉग देखते रहो, इंटरेस्टिंग सा कुछ करेंगे बढ़िया, दिक्कत मत लो आप लोग। फिलहाल मास्क लगा लूंगा। ठीक है, ठीक है, बाय। रस्ते में आ रहे थे, देन मैंने बताया था कुछ प्लान करेंगे, तो हमने कर लिया प्लान। राहुल जा रहे हैं मूवी देखने, और मूवी का नाम है, मूवी का नाम क्या है? पुष्पा मेरी डार्लिंग। भैया थोड़ा बीच में आओ, मास्क पार कर। डोरा देखा क्या? डोरा वो, प्लीज गिव योर सीट। अरे ना, चलो लगा लो मेरी जान। चलो तो सीट बेल्ट लगा ले रहा हूँ। तो भाई साहब जा रहे हैं GIP मॉल। GIP मॉल में 650 का शो है, आई थिंक है ना, 620 है भाई। 620 है, कोई दिक्कत ना। चलो तो फिर मिलते हैं भाई साहब GIP मॉल पहुंच कर। ठीक है जी, थोड़ी देर में मिलेंगे आप सब। ठीक है, तो हमें लगी थोड़ी सी भूख, तो हमने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे क्या खा, हम मसाला डोसा खा लिया और वेज नूडल खा लिए। दिखाया भी खाया इसलिए ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और मजा आ रही थी सर हम ब्लॉगिंग करने में, इस मारे मैंने वहाँ कुछ शूट ना करा। अब जा रहे हैं मॉल, वो भी GIP। ठीक है, अब मैं देखना रहूँगा, अब दिख रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, वहीं मिलूँगा मॉल में। ठीक है, तो फाइनली हम पहुँच गए GIP मॉल में, खा पी के दुनिया भर का ठूस का मसाला डोसा और चाउमिन पाउमिन खा खोगा। और हम इसके मॉल वॉल के सिनेमैटिक देने नहीं है, क्योंकि ये GIP मॉल है। हाँ था कभी लग्जरी, और अभी भी है, पर इतना बढ़िया ना रहा, तो मैं तुम्हें यहाँ के सिनेमैटिक पिनेमैटिक ना दिखा सकूँ। मुझसे ही बात करो जितनी बात करनी है। और 30 फ्लोर पे इसका जो कहा गया हुआ सिनेमा हॉल। ठीक है, तो वहाँ जगह चलेंगे, वहीं मिलेंगे आप सबसू। फिलहाल चलते हैं, सर पहुँच तो हम टाइम पे गए थे, पर पता ना क्या दिक्कत होगी, कह रहे टेक्निकल इशू आ गया, दैट्स वाई टिकट पिकट ना मिलेगी, तो टाइम भी ख़राब हो गया। और कोई सही टाइम पे अवेलेबल ना, कोई 1 घंटे बाद है, कोई 1.5 घंटे बाद है, जो कहीं भी देख रहे हैं। बाकी भी देखते हैं कहाँ जाएंगे, पिक्चर तो देखनी है, कौन से हम जाएंगे कहाँ जाएंगे देख लेंगे। यहाँ तो बात बनी नहीं GIP मॉल में, इनकी टेक्निकल इशू ही ख़त्म ना होते। बाकी भी देखते हैं कहीं बढ़िया जगह, दूसरी जगह देखते हैं कहाँ पर जा सकते हैं, तभी पहले ढूंढ डाल लूँ, फिर मिलूँगा थोड़ी देर में आप सबसे। जल्दी मचाते जाते हैं, यहाँ जगह पहुँच सकता है 18। ये धर्म पैलेस मॉल है, यहाँ जगह ही पता चली मैंने कि 7-5 का शो की टिकट दे दो, तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब मशीन ख़राब हो गई इनकी, GIP वालों की मशीन ख़राब हो गई और धर्म पैलेस वालों की भी मशीन ख़राब हो गई। समझ ना रहा, मशीन है चूतिया, आदमी पागल बनाए जा रहे हैं, सीधी ना कहते। और उस पर भी ऑफलाइन ना कर रखो कि मना कर दे कि ना है या कुछ भी अवेलेबल ना है, ऐसा कुछ भी ना कर रहे। अब चल रहे कि स्पाइस मॉल और बच रहा है, वहाँ जगह देख ले रहे, 8-15 का शो है वहाँ जगह, अगर हुआ तो देख लेंगे, ना तो अपने घर को जाएंगे। हाँ चाय पीऊँगा, बस इतना ही कर सकूँगा मैं, बाकी चाय पी पा कर चल रहे हैं।
कौन सा मॉल में, स्पाइस मॉल मतलब भारत मॉल में, ठीक है जी, मिलते हैं थोड़ी देर में स्पाइस मॉल में। पहुंच गया स्पाइस मॉल में जो कि भारत मॉल में कन्वर्ट हो चुका, और यहाँ से क्या मैंने पता करी टिकट की, तो यहाँ पे हमें टिकट मिल रही है सब 800 है, तभी फिलहाल टिकट विकट ले लेते हैं फिर मिलता हूँ। फाइनली हमें टिकट भी मिल गई थी और हम अंदर आ गए हैं सिने पैलेस, मतलब कि ये भारत मॉल है, यहाँ से हमें मिल गई है और अंदर भी एंट्री करा ली हमने, तो सब बढ़िया और चल रहे हैं अंदर। अंदर बस थोड़ा सा प्रतीक वॉशरूम वगैरह गया है वो उधर ने, इसके बाद चलते हैं अंदर। अंदर का तो कुछ शूट वूट करूँगा नहीं क्योंकि अलाउड भी ना होता और मैं करूँगा भी नहीं, बाकी मिलेंगे अब मूवी के बाद। तो भाई इंटरवल हो गया और मूवी इतनी, मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ, जी फोर समझते हो ना, पार्ट एक नंबर मजे आ गया, मतलब उठने का मन ही ना हो रहा था, मैं तो ऐसे करके बैठा रहा हूँ और रेगुलर नहीं ऐसे ही देखता रहा, इतनी बढ़िया पिक्चर थी, मतलब मज़ा आ गया भी इंटरवल हुआ है। और सोचा कुछ खाने वाने को ले लें, ये डिस्कस करते हुए आपस में कि क्या लेना है, इनका कुछ अभी क्लियर नहीं हो पाया। कुछ हुआ कुछ वो डिसाइड, क्या वो डिसाइड क्या लेना है भाई? 30 रुपए की कोक 300 रुपए में बेच रहे हैं, चूतिया है ना मारो हमें, इनके पास ही पुष्पा आएगा अभी, पुष्पा आएगा इनके पास, पुष्पा पुष्पा को बुलाते हो मतलब, मजा आ गया। अब चलो थोड़ा देख लेते कुछ खाने पीने का, ले लेते निकल जाएगी पैंट में बाकी यहाँ से पॉप कर लो जल्दी, अभी लेते हैं आगे इतना थोड़ा हो जाए भीतर, मिलते थोड़ी देर में, पिक्चर देखनी है पूरी, उससे पहले तो जाना ना हो कहीं भी, ठीक है जी, बने रहो देखते रहो लोग, मिलते थोड़ी देर बाद। फाइनली हमारी मूवी हो गई खत्म और मूवी मैं मतलब घूस बमता रुक गई ना, इतनी बढ़िया थी, मज़ा ही आ गया, मतलब उठने का मन ना हो रहा, मूवी खत्म होने के बाद वैसा हो रहा था कि देखते रहो दोबारा चल जाएगी, बढ़िया थी, इसका पार्ट टू भी आएगा। तो मूवी आज देख लिए, 11:30 बज गए, हो गए लेट, अब फटाफट से पहुँचते हैं घर, यहाँ से निकलते हैं। रात 12:30 बजे अपने घर पहुँच गए, तर रोटी पानी खा के सो गए थे, ब्लॉक करने का थोड़ा मन ना हुआ बिकॉज थक भी गए थे, तो मैंने सोची सवेरे ब्लॉक को एंड करूँगा, सवेरे 8:30 उठे थे, फिर जिम गए, जिम जाने के बाद फिर मैंने सोची अब कि ब्लॉक को एंड करूँ। और थैंक यू सो मच गाइज देखने के लिए, और रही बात व्यूज़ की, तो व्यूज़ तो फ़र्क ना पड़ता मुझे, जितने भी मेरे व्यूज़ आते हैं मैं उनसे खुश हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितने भी लोग देखते हैं उनके लिए बना रहा हूँ ब्लॉग, तो दिल से ना थैंक यू, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ख्याल रखो, बाय।